कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शायरी शब्दों की एक ऐसी धुन जो दो चार लफ्जों में ही दिल का हाल बयां कर देती है, और आज हमारे मेहमान बस यही काम बहुत माहिरता से करते हैं। प्लीज़ वेलकम ऑन आवर शो उर्दू के जाने माने शायर शहरयार साहब। ये शायरी का सफ़र कब शुरू हुआ आपके साथ? मेरे साथ असल में बहुत दिलचस्प सूरत यह है जिसको लोग बहुत कम यकीन करते हैं। आमतौर से तसव्वुर ये होता है कि बचपन से ही कुछ मतलब उसमें जर्म्स होते हैं, वो अपने ऐसी एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं कि जिससे मालूम होता है कि वो बड़ा होकर शायर बनने वाला। मेरे ज़िंदगी में मैं बहुत गौर करता हूँ, अपने पास में झांक के देखने की कोशिश करता हूँ, कहीं दूर दूर से शायरी से कोई ताल्लुक मेरा नहीं था। मैं बहुत ही हेल्दी हैबिट्स का आदमी अब भी हूँ, वैसे हॉकी खेलता था, बहुत अच्छा एथलीट था, और मेरे पूरे ख़ानदान में कोई मतलब किसी को शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे दादा भी पुलिस में थे, मेरे बाप भी पुलिस में थे, मेरे भाई भी पुलिस में थे, और मेरे बाप और भाई सब ने ये तय किया था कि मैं भी पुलिस ही में जाऊँगा, थानेदार बनूँगा जी। और मेरी एक्टिविटीज़ भी उनको बहुत सूट करती थी कि खेलने वेलने में दिलचस्पी इसको ज़्यादा। पता नहीं क्यों मैंने किसी वजह से ये तय किया कि मैं थानेदार नहीं बनूँगा, लेकिन मेरे सामने कोई और टारगेट भी नहीं था, मैं उस वक्त तक शायरी भी नहीं कर रहा था। बहरहाल नतीजे के तौर पर मैंने अपना घर छोड़ दिया, और एक मेरे उस्ताद थे जो पढ़ाते थे मुझे इंटरमीडिएट में, खलील रहमान आज़मी, जो उर्दू के बहुत बड़े शायर और क्रिटिक थे, उन्होंने मुझे अपने मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट किया मुझे और सहारा दिया, ये सोच के नहीं कि ये शायर है कुछ, बस एक तरह से कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। अब उनके साथ जब मैं रहने लगा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शायरी और अदब जो है, ये ज़ाहिर सब लोग आते हैं और सब एक सवाल उनसे करते थे कि भाई ये शख्स कैसे है यहाँ पर, इसको शायरी अदब से क्या दिलचस्पी हो सकती है। तो कुछ मेरी चीज़ें हैं मतलब उन्होंने लिखी जो मेरे नाम सपी, जो मेरी नहीं थी। फिर बीए में ज़िंदगी में मेरे एक मोड़ आया और मैं एक शेर कहने लगा। अब भी जो शेर के लिए जो कॉम्पिटेंस चाहिए, मतलब मीटर पर मतलब कंट्रोल, उसको मीटर को परखने का तरीका, ये सब मुझे कुछ नहीं आता। तो जैसे लोग कहते हैं ना ये गॉड गिफ्टेड, तो मेरे सिलसिले में 100% ही गॉड गिफ्टेड है, मतलब मुझे अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिला कि मैं शायर क्यों हुआ। अच्छा, गॉड ने मुझे मतलब हर जगह प्रोटेक्ट किया, मैंने एक रास्ता तय किया कि मैं थानेदार नहीं बनूँगा, लेकिन क्या बनूँगा ये भी मैंने तय नहीं किया था। बीए करने के बाद मैंने एमए उर्दू में करने के बजाय साइकोलॉजी में एमए ज्वाइन किया, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने गलत फैसला किया, तो 6 महीने मेरे बेकार चले गए। बेकार उन मानों में गए कि एक साल मेरा बढ़ गया तालीम का जी, लेकिन फ़ायदा उस तरह ये हुआ कि मैंने बस सिर्फ शायरी की उस अरसे में वो 6 महीनों में अच्छा, और कुछ पता नहीं क्या बात है कि जितने मैगजीन्स थे, अच्छे मैगजीन्स, उसमें मेरी चीज़ें छपी, और बहुत जल्दी मैं लोगों की तवज्जो का मतलब सेंटर बन गया। फिर मैंने एमए उर्दू में किया, और उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि मुझे आइंदा क्या करना है। फिर उसके बाद एमए का रिज़ल्ट भी नहीं निकला था कि मैं एक अखबार मतलब वीकली अखबार में मतलब एडिटर हो गया और स्कॉलरशिप मिल गया, और ये 5 साल मेरे बेकारी के मतलब एमए करने और लेक्चरर होने के दरमियान 5 साल का मतलब पीरियड है। अगरचे जो मेरे चेयरमैन थे और मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर आलम सूर, वो मुझे बहुत लाइक करते थे और चाहते थे कि मुझे किस तरह से डिपार्टमेंट में लाएं, लेकिन जगह ही नहीं निकलती थी उस वक्त उर्दू में, मतलब सीट्स बहुत लिमिटेड होती थी। जी, अपने पहला ये छपा आपका कलेक्शन, तो आप किससे इंस्पायर होके लिखा आपने ये? नहीं, इंस्पायर तो मैं पता नहीं किससे हुआ, कहाँ से हुआ। असल में देखें, शायरी के सिलसिले में बहुत सी चीज़ें, या मतलब आर्ट के सिलसिले में जो हमने बहुत से बना रखे हैं कि कोई बाहर की चीज़ एक्सटर्नल चीज़ होती है, वो फला लड़की को देखा या फला हो या फूल को देखा है या रात के अंधेरे को देखा जी, ये मेरे ख्याल में क्रिएटिव काम जो है किसी वक्त भी हो सकता है,
और कभी भी हो सकता है, और अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। मतलब ये ख़राब चीज़ें जो हम मैं सामने नहीं लाता, इसलिए वो मालूम नहीं होता कि मैंने ख़राब चीज़ें कितनी लिखी हैं। सिर्फ वही चीज़ें जो मेरे ख्याल में ठीक होती हैं या जिनमें कोई ऐब मुझे नज़र नहीं आता। ज़ाहिर है कि मैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने सोचा हो वो दूसरे लोगों से मैं नज़र आए, लेकिन मैं बहुत अपनी चीज़ों को बहुत ऑब्जेक्टिवली देख सकता हूँ। ये मेरे अंदर सलाहियत है कि मैं सिर्फ अपने को, मतलब जब मैं अपना आईना देखता हूँ तो मुझे सफ़ेद बाल भी नज़र आते हैं। मतलब यही नहीं कि मैं अच्छा नज़र आ रहा हूँ, तो आईना देखकर मैं अपने को जिस तरह पहचान लेता हूँ, उसी तरह से अपने मतलब क्रिएशन को भी बहुत ही, जैसे होता है ना कि ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव तरीके से देखता हूँ। जैसे दूसरे की चीज़ है जी, अगर दूसरा कोई लिखता है तो मैं उसको क्या चीज़ पसंद करता और क्या चीज़ नापसंद करता, और एक बन गया है मतलब कुछ ऊपर वाले का, मतलब ऊपर वाले को बार बार ला रहा हूँ कि मैं मतलब ख़राब और अच्छी चीज़ में तमीज़ मेरे अंदर हमेशा से रही है। अच्छी शक्ल, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छे लोग, अच्छी फिल्म, अच्छा म्यूज़िक, मतलब मैं हर अच्छी चीज़ को पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया भी इतनी अच्छी लगे, और उसमें अपनी पोइट्री से एक योगदान करने की कोशिश करता हूँ कि मेरी पोइट्री जो है लोगों में एक कम से कम बुरी चीज़ों के ख़िलाफ़ कोई मतलब एटीट्यूड पैदा करे, अच्छी चीज़ों के फेवर में एटीट्यूड पैदा करे। तो कोई मतलब कुछ उसमें होना चाहिए जी, दुनिया को खूबसूरत बना, इसलिए कि जो एक फ़लसफा है वो सही है बड़ी तक कि जो क्रिएट करने वाला है वो जितने भी आदमियों को पैदा करता है उनका कोई ना कोई रोल है, मतलब कोई बग़ैर रोल के पैदा नहीं किया जाए। मुजफ्फर अली साहब की जो उमराव जान थी, जब उसका ज़िक्र होता है तो आपका ज़िक्र साथ होता है, वो गज़लें आपने लिखी, तो फिल्मों में कैसी आए, कैसा आया आपका काम? ये देखिए, सब मेरे साथ जो इतने काम भी हुए एक्सीडेंट, मैं जब मेरा पहला कलेक्शन छपा तो मुजफ्फर अली वहाँ BSc कर रहे थे, और वो पेंटर थे, तो पेंटर होने की वजह से एक आध एग्जीबिशन मैंने उनकी देखी थी, एक आध बार उनके कमरे पे भी गया, और उनके पास मेरा ये पहला कलेक्शन था। कई साल के बाद उनका ख़त आया कि साहब मैं एक फिल्म बना रहा हूँ गमन के नाम से, उसमें आपकी दो गज़लें, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। एक सवाल जहन में आता है, इन आँखों की मस्ती, ये गाना उमराव जान का, एक, एक 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 करेक्टर था मेरी ज़िंदगी में, हाँ, जिसके लिए मैंने ये गज़ल लिखी थी। बिल्कुल, और ये गज़ल पहले छप चुकी थी बुलेट्स में, जैसे उसमें थोड़ा सी तब्दीली फिल्म के साथ, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं इन आँखों से वाबस्ता, उसमें गज़ल ओरिजिनल में था जिन आँखों से वाबस्ता, या एक मैं ही नहीं तन्हा उल्फत में तेरी रुस्वा, इस शहर में मुझ जैसे दीवाने हज़ारों हैं, और बाकिया शेर जो हैं वो मतलब फिल्म के एतबार से लिखे गए। तो दो शेर पुराने हैं, और वो एक आँखों की मस्ती थी मेरी ज़िंदगी में आई थी। जब आप लिखते हैं, आपने कहा कि कोई ख़ास अलग सी चीज़ इंस्पायर नहीं करती, पर निजी स्तर पे आपके जीवन पे वो कौन से मूल हैं या वैल्यूज़ हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं? नहीं, मैंने एक मतलब एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी, अच्छा बाप, अच्छा शौहर, अच्छा दोस्त, ये बनने की हमेशा कोशिश की मैं, और मुझे अपने बारे में मतलब दूसरों की राय का बड़ा ख्याल रहता है कि कोई किसी को मेरी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुँचे, एक तो ये, दूसरा ये कि मुझसे जो एक्सपेक्ट करते हैं लोग मैं जहाँ तक हो सके उसको पूरा करने की कोशिश करूँ। तो टीचर की हैसियत से जो मतलब मैंने खुद एक टीचर का जो तस्वूर मेरे जहन में था, तो वो मेरे जहन में था कि जो वक्त पर जाए, तैयारी करके क्लास में पढ़ाए, लड़के को एहसास हो कि हाँ उसने कुछ टीचर से, उसके लेक्चर से कुछ हासिल किया, ये नहीं कि किताबें में जो मौजूद है वही सब चीज़ें, उसको किसी तरह से और पढ़ने पर आमादा करे, उसको मतलब इंस्पायर करे जी, उसकी शख्सियत को मतलब वो मॉडल बनाने की कोशिश करे कि साहब देखिए उस्ताद जो हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, ईमानदार हैं, नंबर देने में, क्लास पढ़ाने में, अपने जो भी जिम्मेदारी उनके सपोर्ट की जाती है, असेसमेंट में अपने,
अब इसमें जहाँ तक मैं कामयाब हुआ उसमें मेरे मतलब अंदर से रही हमेशा से, और मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे रोल बड़े ईमानदारी से अदा करने की कोशिश की। अब मैं इंसान हूँ, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं जब इतने बहुत सारे रोल आपको एक वक्त अदा करने होते कहीं ना कहीं तो भूल चूक हो जाती है। तो कुछ लोगों का ख्याल है, मतलब मेरे बीवी का ही ख्याल ये था कि मैंने वो काम सबसे इम्पोर्टेंट तो क्रिटिक तो घर में बैठे होते मतलब, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने मेरे जहन में जो मतलब तस्वूर मेरा रखा था वो मैं नहीं था, और ये बात मैंने उनको सब पूरा बताया अपने बारे में। मुझे मैंने कुछ छुपा के नहीं रखा था कि मैं कैसा हूँ क्या कमजोर है। जितना मैंने अपने को बुरा साबित उनके सामने किया था पहले, उससे बहुत कम बुरा साबित हुआ मैं मेरे ख्याल में। लेकिन बहरहाल हमारी चीज़ अच्छा अंजाम नहीं हुआ उसका। रात को दिन से मिलाने की हवस थी हमको, काम अच्छा ना था अंजाम भी अच्छा ना हुआ। तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको आप पूरा नहीं कर पाते। मतलब तो रिश्तों को बनाए रखने में सबसे मैं बहुत पूरा करता हूँ। सबसे ज़रूरी गोंद क्या होती है? मैं तो जो एक्सपेक्ट करता है कोई मुझसे, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरूँ। बट ये कहीं आपको थका नहीं देता कि हम उम्मीदों पे ही करें? मैं तो देखिए इसलिए रिश्ते बहुत कम कायम करता हूँ, और कायम करने के बाद फिर बहुत कंसिस्टेंटली निभाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैं कोई नया अकाउंट अब नहीं खोलता। मसलन किसी से ईद नहीं मिलने में नहीं जाता कि एक बार जाऊँगा दूसरी बार नहीं गया तो फिर वो सोचेगा कि सब क्यों नहीं आए। तो कोई नए मैंने रिश्ते नहीं बनाए, जो पुरानी दोस्तियाँ हैं उन्हीं को निभा रहा हूँ, और अपनी तरफ से बहुत मैं साफ हूँ। आप रिलेशनशिप से रिश्तों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, उन पे नहीं, काम नहीं, करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। दूसरे की मतलब एक्सपेक्टेशंस को हमेशा अपने ध्यान में रखता हूँ कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है, और 95% मैं उसके एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ। 5% कहीं वो ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट करने लगे तो ज़ाहिर है कि ये उसका भी कसूर है। मुझसे शिकायत बहुत कम लोगों को मतलब हुई है, बल्कि मतलब ये मेरा बाज लोग मुझे ऐप भी मेरा समझने लगे हैं कि साहब हर आदमी होता है उनकी तारीफ करता है। मतलब ये कॉन्ट्रोवर्शियल ही नहीं है, दुनिया कहीं मतलब, जीने नहीं देती। हाँ मतलब वो मतलब नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होना भी मेरा एक कमजोरी बन गया हो गया। हाँ मतलब ये साहब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हर आदमी इनको अच्छा कह रहा है। अब जैसे जितने इनाम मुझे मिले जी, अरे बहुत पहले से मुझे 87 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया था जी, और लेकिन 95% लोगों ने मतलब उसको कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल सही आदमी को मिला। तो ये भी बहुत बड़ी बहरहाल तो ठीक है। तो वो तो जिनको वो कहते हैं ना, जीवन में अगर कोई डिट्रैक्टर्स नहीं हुए तो फिर मतलब जीवन में वो सफलता नहीं मिली। अब मैं समझिए देखिए, सिर्फ शायरी के बलबूते मैं लेक्चरर हुआ, मतलब मैंने PhD कर लिया और क्लास भी पढ़ाता था मतलब, लेकिन कोई पर्चे लिखना एकेडमिक उसमें मतलब सेमिनार्स में जाना ये सब मैंने कभी नहीं किया। तो बल्कि हमारे एक वाइस चांसलर थे हाशिम अली साहब, वो कहते थे कि शहरयार शेक्सपियर को प्रोफेसरशिप नहीं मिलेगी, शेक्सपियर पर जिसने किताब लिखी उसको प्रोफेसरशिप मिल जाएगी। तो मैंने कहा साहब ना मिले, वो मेरी तरफ इशारा था उनका। खैर भारत में उसके बाद प्रोफेसर भी हो गए, और मैं कभी किसी चीज़ के पीछे भागा नहीं। इसको कहते हैं कि साहब उसके लिए मतलब अपनी ज़िंदगी दूभर की हुए, बहुत देर में रीडर जबरदस्ती मुझे अप्लाई करवाया गया और रीडर बनाया गया। इसी तरह से एक प्रोफेसरशिप की सिलेक्शन कमेटी हुई, इसमें कोई नहीं हुआ। दूसरी बार मैंने उस पर उसके लिए अप्लाई नहीं किया, तो मैं चपरासी कहने के सब तो दो फॉर्म मंगा रहे आप एक ही मंगा रहे। मैंने कहा अगर इस बार इस पर नहीं हुआ तो फिर अगला बिल्कुल नहीं मंगवाऊंगा। मुझे कोई ऐसा मैं फिर भी मतलब जो मेरी अहमियत है ज़िंदगी में रहेगी। ये तो आदमी दुनिया जो बनाता है वो अपने भी बच्चों के लिए बनाता है, बनाना चाहिए उसको। जब दुनिया में शामिल हो गया है तो बच्चों से पूछा जाता है ना कि आपके बाप क्या करते हैं, तो अगर वो बताया गया वो मतलब क्लर्क हैं कहीं पर या बहुत मामूली किसी पोस्ट, तो जाहिर है वो उनको तकलीफ़ होती है उनको बात बताने में। हमारे बाप प्रोफेसर हैं साहब, हमारे बाप चेयरमैन हैं,
ہمارے باپ تو مشہور فلانے ہیں. تو یہ دنیا میں بہت سے کام جو ہیں, جب آپ دنیا میں شامل ہو گئے ہیں تو بیوی بچوں کی خواہش, خوشی کے لیے, ان کی خواہش کے لیے, ان کو اچھی تعلیم کے لیے, ان کو کمفرٹ فراہم کرنے کے لیے دنیا میں شامل ہونا چاہیے, اور ترقی کی خواہش بھی رکھنا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ پیسے سے یا تمام چیزوں سے بالکل ہی آدمی بے نیاز ہوئے, لیکن یہ کہ کوشش یہ کرے کہ فیئر طریقے سے ملیں تو اچھا ہے, کچھ مول ہے ان کے آدھار پہ چلیں. آپ نے اسٹوڈنٹس کو بہت کچھ سکھایا, انہوں نے آپ کو کیا سکھایا؟ انہوں نے سکھایا کہ وہ عمل کرتے ہیں میرے پر, عمل مثال دیتے ہیں. جی استاد, دیکھیے ہم ایک بات کا خیال رکھتے ہیں, کلاس میں وقت پہ پہنچتے ہیں, تیاری کر کے جاتے ہیں, یہ ہم کبھی نہیں بھولتے کہ چاہے ہم کہیں بھی جائیں. تو بڑا بیچارے مطلب میرے شاگرد تو مجھ پر جان دیتے ہیں, مطلب اور اتنے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں, مطلب وہ ہمارے ایک دوست تھے وہی دفتر صاحب, کہتے تھے ریڈیو میں, ٹی وی میں, اس میں سب ہر جگہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں تم نے تو ایسے جال پھیلا رکھا ہے, مطلب تو ظاہر ہے کہ بھائی کوئی پروگرام ہوتا ہے ریڈیو کا یا ٹی وی کا ہے تو وہ لوگ مجھے کوشش کرتے ہیں کہ میں آؤں اس میں. میں بہت کم جاتا ہوں جی, یا یونیورسٹی میں کہیں پر ہیں تو وہ بھی وہاں بھی کوشش کرتے ہیں, صاحب انوگریٹی کرتے ہیں, بیٹھ جائیے آ کے بس اور کچھ نہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی طرح کی محرومی یعنی دنیا سے اور اوپر والے سے مجھے کوئی شکایت نہیں. دنیا نے بھی اوپر والے نے بھی میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے جی, کہ میرے ظلم سے صرف دعائیں نکلتی ہیں. اور کبھی شکوا جو ہوتا ہے کہ صاحب یہ چیز نہیں ملی مجھے اور یہ دنیا میں یہ بری چیز ہے, مجھے تو دنیا بہت خوش ہوتی. اور یہ آپٹیمزم اور یہ پازیٹیوٹی آپ کے ایٹیٹیوڈ میں جھلکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر جاتے جاتے اپنی پسند کا کچھ, جو آپ نے کچھ غزل لکھی ہو یا کچھ شعر آپ پڑھنا چاہیں درشکوں کے لیے؟ مطلب کچھ میں شعر ادھر ادھر سناتا ہوں مثلا, جس سے میرے ایٹیٹیوڈ بھی پتہ چلے گا. بھیڑ کا حصہ بن جاتا میں تنہا نہیں ہوتا, بھیڑ کا حصہ بن جاتا میں تنہا نہیں ہوتا, سچ مچ ایسا ہو جاتا تو اچھا نہیں ہوتا. بیوٹیفل. بھیڑ کا حصہ بن جاتا میں تنہا نہیں ہوتا, سچ مچ ایسا ہو جاتا تو اچھا نہیں ہوتا. اس عمر کے سفر میں میں ٹھہرا کہیں نہیں, اس عمر کے سفر میں میں ٹھہرا کہیں نہیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے زمین نہیں. اس عمر کے سفر میں میں ٹھہرا کہیں نہیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے زمین نہیں. ایک شعر آخر میں, شکوہ کوئی دریا کی روانی سے نہیں ہے, شکوہ کوئی دریا کی روانی سے نہیں ہے, رشتہ ہی میری پیاس کا پانی سے نہیں. شہریار صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. مجھے بہت اچھا لگا اس لیے کہ یہ مطلب ایمانداری سے میں کہوں جی کہ یہ وہ انٹرویو ہے جس میں اس طرح کے سوالات نہیں کیے گئے جو عام طور سے کیے جاتے ہیں, جو بہت ہی بچکانہ قسم کے سوالات, کب لکھنا شروع کیا, پہلا مجموعہ کب چھپا, پہلی کتاب کب چھپی. جی تو آپ نے بہت سے سوال کیے جس پہ مجھے پھر سے اپنے بارے میں اور اپنے کو تازہ دم کرنے کے لیے اور سوچنے کے لیے مجھے اس نے اکسایا. میں آپ کا بہت شکریہ. The privilege was ours, sir. Thank you so much.